चैनल योर हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ गर्मी से बचने के लिए क्या खाएं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल योर हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गर्मी के मौसम में अच्छी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है सही डाइट। गर्मी के मौसम का मतलब है पसीना, सुस्ती, दिन भर थकान, पीने के लिए पानी की कमी और पानी से विशेष लगाव। हाँ, इसके अलावा इन दिनों छोटी स्वास्थ्य समस्याएं बहुत आम हैं, इसलिए गर्मी के मौसम में खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए जानते हैं गर्मी से बचने के लिए क्या खाएं। गर्मियाँ शुरू हो गई है और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने भोजन का पूरा ध्यान रखें। विशेष रूप से ऐसे भोजन को खाया जाना चाहिए ताकि शरीर ठंडा हो जाए। आम, हर किसी को आम पसंद होता है और गर्मियों में खूब मिलता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी और आयरन पाया जाता है। यह गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तरबूज, शरीर के लिए गर्मियों में तरबूज खाना बेहद फायदेमंद है। पानी से भरपूर यह फल शरीर की गर्मी को काफी हद तक कम करने में प्रभावी है। शरीर को हाइड्रेट करने में भी तरबूज बहुत फायदेमंद है। तरबूज गर्मियों में शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और गर्मी के मौसम में इसका अधिक सेवन शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सोडियम, पोटेशियम और विटामिन बी भी इसमें पाए जाते हैं। खीरा, गर्मियों में खीरा एक समृद्ध भोजन है। इसमें पानी बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए चुभती गर्मियों में खीरा कूलिंग इफेक्ट देता है। खीरे को गर्मियों के लिए बहुत सही माना जाता है। इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह तैलीय त्वचा को ठीक करता है और खीरा गर्मियों में होने वाली गैस, एसिडिटी और हार्टवर्न की समस्या को भी दूर करता है। पुदीना, गर्मी से बचने के लिए आप रोज मिंट का सेवन कर सकते हैं। यह एक अच्छा घरेलू उपाय है जो गर्मियों में आपके शरीर को कूलिंग इफेक्ट देता है। नींबू, गर्मियों में आप रोजाना नींबू का सेवन करके गर्मी दूर कर सकते हैं। दरअसल नींबू में साइट्रस होता है जो शरीर को डिटॉक्सिफाई करके इसे ठंडा रखता है। छाछ, गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए छाछ भी बहुत अच्छी होती है। इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो मिल्क की तुलना में स्वास्थ्य वर्धक होता है। यह शरीर में फुर्ती लाता है। इसे भोजन के बाद पिया जाता है क्योंकि यह पाचन में बहुत ही सहायक होता है। इसमें बड़ी मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम और जस्ता होता है। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल योर हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज को अभी तक नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर लिंक दे दी है, आप जाकर देख सकते हैं।